हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे। मैं आकांक्षा आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। और तो आप लोग अगर गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबाना नहीं भूलना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बताना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैंने सोनल ब्लॉग के ऊपर अभी एक वीडियो बनाया था कि सोनल ब्लॉग की सोनल दी की डिलीवरी होने वाली। मैंने उसमें सब कुछ शेयर भी किया था कि बताया सोनल दी क्या है मेरे लिए, क्या है मतलब कि ये सब मैंने बताया था आप लोगों को। तो आप लोगों ने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और मैं आप लोगों को तो वैसे पता ही होगा कि सोनल दी के यहाँ गुड न्यूज़ आने वाली थी। उनका टाइम भी मतलब कम्प्लीट हो गया था, हॉस्पिटल भी वो चेकअप करा के आ गई थी। 14 को चेकअप करा के आई थी, फिर उन्होंने बोला था 15 को उन्हें एडमिट भी होना है जिस दिन दशहरा था। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो जितनी भी उनके फैंस हैं सभी को मतलब बेसब्री से इंतज़ार था कि उनकी डिलीवरी कब होगी, कब तक होगी, या हो गई है या नहीं हुई है, उनके क्या हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है, डिलीवरी हुई है या नहीं। अभी तक मतलब उनकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक के लिए अभी नहीं आई थी। तो मतलब सब सारी पब्लिक बस यही इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से सोनल दी इन्फॉर्मेशन दें और हम सबको खुशी हो, उनकी खुशी में मतलब हम भी शामिल हो पाएँ। तो इसीलिए सभी पूरी पब्लिक ही उनका वेट कर रही थी। तो फिर अभी अभी मुझे मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं भी वेट कर रही थी कि जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन आए और मैं भी आप लोगों को दे पाऊँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं भी आप लोगों को मतलब खुशखबरी दूँगी। तो देखिए, तो खुशखबरी तो आ गई है, सोनल दी माँ फिर से बन गई हैं, मतलब नन्नू के बहन या भाई जो भी है आ गया है। और नन्नू भी बड़ी दीदी बन गई है। अब नन्नू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, आप लोग पिक देख लीजिए, लगा दी है मैंने, बहुत खुश है नन्नू। तो देखिए, किसी के भी बहन भाई आता है बच्चों के तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सभी परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो जाता है, बेबी आता है। तो वैसा ही बस अभी सोनल दी के यहाँ चल रहा है। और देखिए, सोनल दी के क्या हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारी पब्लिक को पता भी है कि सोनल दी के क्या हुआ है, तो मुझे भी पता है सोनल दी के क्या हुआ है, पर मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी। पहले सोनल दी को बताने देती है ना कि उनके क्या हुआ है। इतनी बड़ी खुशखबरी उनके घर आई तो सबसे पहले उनका ही हक बनता है बताने का कि उनके क्या हुआ है। तो पहले सोनल दी ही बताएंगी, उसके बाद में मतलब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो पहले सोनल दी को बताने देते हैं, फिर मैं बताऊँगी। और देखिए, वैसे तो खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं। और सोनल दी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन सोनल दी, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार बेबी के लिए। बेबी चाहे बॉय हो या गर्ल हो, देखिए प्यार तो दोनों के लिए ही समान होता है ना। ये अभी उन्होंने बताया नहीं है तो क्या बेबी क्या मतलब बेबी बॉय है बेबी गर्ल, पर प्यार तो दोनों के लिए ही समान होता है। तो बेबी के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, खुश रहे बेबी हमेशा और सोनल दी भी खुश रहें। अब तो वैसे वो घर भी आ गई होंगी हॉस्पिटल से, मतलब डिस्चार्ज हो गया होगा उनका, अब तो वो घर आ गई होंगी। तो चलिए सोनल दी, आप जल्दी से बता दीजिए, आप भी कोई ब्लॉग डाल दीजिए अब कि आपके क्या हुआ है, मतलब कि आपकी डिलीवरी हो गई है, आपके क्या हुआ, अभी तक आपने तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, आप भी जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स।